Assalamu alaikum, I am M.Salman, your host, and you are watching You, Me and Tech. Python की आज तीसरी वीडियो है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी बाकायदा पाइथन पहली क्लास कंसीडर कर लें इसको. पहली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड करना है. अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा उस वर्जन को, तो मैंने आपको बताया था कि उस तरह हमने जो काम करना है, जिस इंटरफेस के ऊपर काम करना है, हमने काम करना है पाइथन के शेल पे, जो कि ये विंडो है जिस पे हम अभी मतलब जो ओपन हुई. ठीक है, इस विंडो पे आने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कमांड टाइप करनी है और उसको प्रिंट करना है, एक स्टेटमेंट टाइप करनी है बेसिकली, और उसको हमने प्रिंट करना है. स्टेटमेंट थी प्रिंट, पाइथन सीखने में बहुत मजा आएगा. ठीक है, और ये हमारी स्टेटमेंट इस तरह प्रिंट हो जाएगी. मैंने आपको बताया था कि आप इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी टाइप कर लेंगे. ज्यादातर गाइड जो है वो हेलो वर्ल्ड करते हैं, जरूरी नहीं है हेलो वर्ल्ड करो, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो. और उसका मैंने आपको कहा था रिजल्ट देना. ठीक है, अब जिन लोगों ने ले लिया था रिजल्ट, वेरी गुड, जिन्होंने नहीं लिया वो दोबारा करके ले सकते हैं. आज की हम क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे, आज की हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर वैल्यूज क्या होती हैं, पाइथन के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं और पाइथन के कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पाइथन के अंदर हम वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं. वेरिएबल आप किसी भी एक ऐसी चीज को कह सकते हैं, किसी भी ऐसी चीज को कह सकते हैं जिसको हमने कोई वैल्यू असाइन करनी होती है. ठीक है, और हमेशा वेरिएबल पहले आएगा हमारी वैल्यू से. ठीक है, सपोज कर लें कि मैं यहाँ पे लिखता हूं अदील. अब अदील एक वेरिएबल है. ठीक है, अदील को हम कह देते हैं एक वेरिएबल है. अदील की जगह पर मैं लिख लेता हूं आयशा. आयशा एक वेरिएबल है. ठीक है, इसी तरह मैं चेयर लिख लेता हूं, मतलब एनीथिंग. आप वेरिएबल कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं पाइथन में. ठीक है, दूसरी बात, अब मैं एक ब्रैकेट बना लेता हूं और मैं यहां लिख लेता हूं सलमान. ठीक है, अदी अनम. मशीन लैंग्वेज के अंदर जब मशीन लैंग्वेज आपके कोड को लर्न करती है, वो लेफ्ट टू राइट करती है. एक तो ये चीज आप नोट कर लें, याद कर लें, वट एवर इज इट, जो आपको कंफर्टेबल में आप होते हैं. मशीन लैंग्वेज के अंदर जब हम काउंटिंग की बात करते हैं, तो मशीन लैंग्वेज कभी भी 1, 2, 3 से स्टार्ट नहीं करती. मशीन लैंग्वेज हमेशा 0 से स्टार्ट करती है. अब हमने ये 3 फिगर्स लिखे हैं, इसके अंदर 0 है सलमान, 1 है अदील, 2 है अन. ठीक है, मतलब जितनी भी हमारी आगे, मतलब जो भी फिगर्स हम रखते हैं, जो भी हम वैल्यूज रखते हैं, वो 0 से काउंट करना स्टार्ट करेगी. ये एक बेसिक असूल होता है किसी भी इंटरप्रेटर का कि वो 0 से स्टार्ट करता है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वैल्यू की. अब सपोज कर लें मैं ए एक वेरिएबल ले लेता हूँ. ठीक है, सिर्फ सपोज कर रहे हैं, इसे मैं इक्वल्स टू कर लेता हूँ 1. ठीक है, अब ए आ गया हमारा वेरिएबल. ठीक है, और ये जो 1 है ना, ये जो इक्वल्स टू के बाद मैंने 1 लिखा है, ये है हमारी वैल्यू. अब ये कुछ भी हो सकती है, 1 कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, या 5, 11 कर लें, (12) कर लें, (13) कर लें, मतलब एनीथिंग जो आप अपने वेरिएबल इक्वल्स टू के साइन के बाद जो भी चीज आप लिखेंगे वो आपकी वैल्यू होगी. ब्रैकेट्स के अंदर हो, ब्रैकेट्स के बाहर हो, वट एवर इज इट, वो आपकी वैल्यू होगी. ठीक है, अब तक हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमें. हमारा वेरिएबल क्या होता है, कोई भी एक ऐसी हमारी थिंकिंग, कोई भी हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई भी हमारा ऐसा कॉन्सेप्चुअल नेम, वो हमारा वेरिएबल होता है. उसको हम इक्वल्स टू जिस भी चीज़ के रखते हैं, और उसके बाद हम वो वैल्यू लिखते हैं, वो फिगर लिखते हैं, वो नाम लिखते हैं, वो हमारा वैल्यू कंसीडर किया जाता है. ठीक है, तो हमारा वैल्यू हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया. अब आ जाते हैं हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे, के पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस,
मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट, ये हमारे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लेट सपोज मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ इस चीज़ की, आप खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को मतलब इसका एक वो एक होता है ना कि बंदा फ्लुएंट होता है एक चीज़ के अंदर, तो ये बेसिक ऐसे हैं कि इसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आप ज़्यादा फ्लुएंट होंगे। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं, मैं कर लेता हूँ ए इक्वल्स टू वन, या सपोज हम ए इक्वल्स टू 50 कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम बी इक्वल्स टू ले लेते हैं 20, ठीक है। अब हमने परफॉर्म करनी है यहाँ पे एडिशन, तो हम किस तरह एडिशन करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमने दो वेरिएबल्स ले ली, हमने दो वैल्यूज ले ली, ठीक है। उसके बाद हमने अभी ने करनी है इनकी एडिशन, हम एडिशन करने के लिए क्या टाइप करेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट डबल ब्रैकेट ए प्लस बी। हमने इसको अब एक स्टेटमेंट दिया है कि हमारा ए है इक्वल्स टू 50 और बी है इक्वल्स टू 20। अब हम इसकी एडिशन करना चाहते हैं तो हम इसे एक कमांड देंगे कि प्रिंट करे, मतलब आंसर हमारा रिजल्ट प्रिंट करे ब्रैकेट्स के अंदर ए प्लस बी, मतलब जो ए और बी की वैल्यू है वो प्लस कर दे। तो हम एंटर करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा 70, मतलब 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 70। ये एक सिंपल सा ऑपरेटर है, ठीक है। इसी तरह हम माइनस में आ जाते हैं, हमारा ए इक्वल्स टू कर लेते हैं हम सपोज 15 और बी इक्वल्स टू कर लेते हैं हम 10। अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेम एज लाइक जिस तरह एडिशन द प्रिंट ए माइनस बी। अब हम एंटर करेंगे तो ये 5 हमारा आंसर हमें शो करते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है तो हम सपोज कर लें कि हम ए ले लेते हैं इक्वल्स टू 10, बी ले लेते हैं इक्वल्स टू 6। अब हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी है, हम लिखेंगे प्रिंट ए मल्टीप्लाई बी, एंटर करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह हम डिवीजन कर सकते हैं, जैसे कि हम सपोज कर लें मैं 50 है, ए इक्वल्स टू हम कर लेते हैं 80 और बी इक्वल्स टू हम कर लेते हैं 40, ठीक है। अब हम कहते हैं इसे कि प्रिंट कर दे इसकी डिवीजन, ए डिवीजन के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। अब हम इसे एंटर करेंगे 2.0, ये हमें आंसर शो कर देगा कि 2.0। अच्छा, अब इसी के साथ मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लियर करता हूँ, पाइथन के अंदर दो फिगर्स कंसीडर होते हैं, दो फिगर्स, एक को हम इंटीजर कहते हैं, एक को हम फ्लोटिंग फिगर डेसिमल फिगर कहते हैं, ठीक है। जो इंटीजर होता है वो होती है राउंड वैल्यू, जिसमें कोई पॉइंट नहीं आता, जैसे कि 70 है, 5 है, 60 है। जिस वैल्यू में, जिस आंसर में पॉइंट आ जाएगा ना, वो डेसिमल कंसीडर की जाएगी, वो फ्लोट वैल्यू कंसीडर की जाएगी, वो इंटीजर वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। इसके ऊपर भी मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि इंटीजर को कैसे फ्लोट किया जाता है, मतलब से पॉइंट कैसे दे सकते हैं, डेसिमल कैसे बना सकते हैं और डेसिमल को कैसे हम इंटीजर बना सकते हैं, ये मेरी अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से डिस्कस करूँगा इस चीज़ को भी। तो फिलहाल तक के लिए ये हमने डिवीजन परफॉर्म कर ली है, हमने इसका मॉड्यूलस लेना। सपोज हमने, हम दो फिगर्स ले लेते हैं, हम ए कर लेते हैं इक्वल्स टू 100 और बी कर लेते हैं इक्वल्स टू 50। अब हम चाहते हैं कि हम इसकी मॉड्यूलस मतलब परसेंटेज ले लें, तो हम क्या करेंगे, ए परसेंटेज बी। अब हम एंटर करेंगे तो हमें परसेंटेज दे देगा 0, सही है। या मैनुअली भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी परसेंटेज 0 ही निकलती, सही है। इसी तरह अब हम इसका एक्सपोनेंट लेना चाह रहे हैं, तो इसी तरह मैं दो वैल्यूज असाइन कर लूंगा, ए इक्वल्स टू 75 कर लेते हैं और बी इक्वल्स टू कर लेते हैं 35। अब मैं चाहता हूँ मैं इन दोनों का एक्सपोनेंट मतलब रेस टू पावर जो होती है पावर ले लूँ, तो वो कैसे लेंगे, हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट ब्रैकेट ए डबल स्टार इंटू बी, आंसर आएगा लंबा चौड़ा सा, ठीक है।
ये इनकी पावर है, मतलब इन दो फिगर्स को उसने कैलकुलेट किया, उसके बाद जो उसे सूटेबल आंसर लग रहा था वो उसने यहाँ पे दे दिया। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और बात करूँ, इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली आंसर नहीं आएगा, इसके अंदर एग्जैक्ट आंसर ये देगा आपको। पाइथन आप हमेशा एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपके सामने शो करता है, सही है। अच्छा जी, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि ये थे, जिसके अंदर प्लस हमने कर लिया, माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया, परसेंटेज निकाली, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट जिसको हम रेज टू पावर भी कहते हैं, हमने वो निकाल लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या हैं? वैसे हम कह रहे थे ए इक्वल्स टू सपोज बी, ठीक है, ये हम कह रहे थे ए को हम वैल्यू दे रहे थे बी की। लेकिन अगर हम कंपैरिजन में आएंगे तो हम करेंगे, पहला कंपैरिजन ऑपरेटर मैं आपको बता रहा हूँ, ए डबल इक्वल्स बी, ये अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। डबल इक्वल्स टू इसको इज यूज टू कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, और फिगर्स और एनीथिंग, ठीक है। ये उसने आंसर भी दे दिया ट्रू, कंपैरिजन, ठीक है। अब इसी तरह एक वैल्यू आ जाती है ए इज लेस देन बी, ठीक है, ये फॉल्स वो कह रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ए इज ग्रेटर देन बी है, इस कॉमन सेंस भी बंदा अपने इस्तेमाल कर। इसी तरह हम कर लेते हैं जी बी इज इज ग्रेटर देन ए, तो इसे भी ये क्या कहेगा, फॉल्स, ठीक है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, ये लेस देन, ये ग्रेटर देन, डबल इक्वल्स टू, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह हम नॉट इक्वल्स टू की अगर बात करें तो हम करेंगे ए एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल, नॉट इक्वल्स टू के लिए पाइथन में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू का साइन यूज करते हैं और हम बी करेंगे फॉल्स दे देगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लेस देन इक्वल्स टू पे, तो उसके लिए हम करेंगे ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद हम कर लेते हैं जी बी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। ये हो गए हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। हमने आज के लेक्चर के अंदर पढ़ा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती हैं, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इंटीजर फिगर्स कौन से होते हैं। इंटीजर फिगर वो होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं होता, जो राउंड वैल्यूज होती हैं, और डेसिमल फिगर्स का भी मैंने आपको बता दिया कि जिनमें पॉइंट आ जाता है, पॉइंट के बाद जीरो के या कुछ भी वैल्यू आ जाती है, वो हमारे फ्लोटिंग फिगर्स कहलाते हैं, डेसिमल फिगर्स कहलाते हैं पाइथन के अंदर। इसके बाद हमने पढ़े अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा एडिशन, फिर हमने पढ़ा माइनस सब्ट्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने पढ़ा डिवाइड, फिर हमने पढ़ा मॉड्यूलस, फिर हमने पढ़ा एक्सपोनेंट, ठीक है। हमने उसके बाद आगे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे आए, तो डबल इक्वल्स टू का साइन हमने पढ़ लिया फर्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर के तौर पे, दूसरा लेस देन का साइन, फिर ग्रेटर देन का साइन, फिर नॉट इक्वल्स टू का साइन, फिर लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, फिर लेस देन इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। तो यार ये एक बड़ी आसान सी आज का लेक्चर था, और बड़ा ही फ्रैंकली सा और बड़ा सलाम दुआ टाइप करवाना चाह रहा था मैं आप लोगों की। ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मतलब प्रोग्रामिंग की सिर्फ अभी तक कॉन्सेप्ट में है कि यार हमने प्रोग्रामिंग सीखनी है, वो आएँ, वो ज्वाइन करें लोग और स्टार्ट करें मेरे साथ। इंशाल्लाह ताला के आगे बढ़ते जाएंगे, हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस में भी जाएंगे, ठीक है। हम काफ़ी कुछ खेलेंगे पाइथन के ऊपर। तो फिलहाल ये है कि ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो एक दो दिन के अंदर दोबारा आप लोगों की खिदमत में लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स एंड अल्लाह हाफिज़।